गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर 1 ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड हाउ कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. कैलकुलेटिंग डिवाइसेस मीन्स a device that is used to carry out various calculations like addition, subtraction, multiplication, etc. with efficiency and speed. So the first early calculating device is an abacus. The earliest device that qualifies as our digital computer is the abacus. This device allows the user to represent numbers by the positioning of beads on a rack. Simple addition and subtraction were carried out rapidly and efficiently by positioning the beads on the rack appropriately. Although abacus was invented around 600 BC and was used by the Chinese and Egyptian, it is still used in Far East. So, abacus. It look like this. An abacus consists of a wooden rack like this, and it has beads in it. These beads represents number, and by changing the position of these beads, we can easily do calculations of like addition and subtraction, etc. This abacus was invented around 600 BC. This device allows the user to represent numbers by the positioning of beads, and it was used to carry out simple addition and subtraction easily and rapidly. Okay? तो आप यहाँ पे एक अबैकस की पिक्चर आप देख रहे हो. आप देख सकते हो कि ये इसमें एक वुडन रैक है जिसमें आपके बीड्स हैं. बीड्स का मतलब मोती. इन ये बीड्स जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स की पोजिशनिंग. और आप इस अबैकस का जो है इन्वेंशन हुआ था 600 BC के अराउंड, और इसका यूज हम कर सकते हैं एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस था, अबैकस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस, वी हैव नेपियर्स बोन. अनदर मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस टू स्पीड अप द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस वॉज जॉन नेपियर्स बोन और कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर. It was developed by a Scottish man named John Napier. A complete set of Napier's bone consists of rod, one for each of the digit 0 to 9 called bones with number carried on them. It was designed in the 17th century and it first appeared in print in 1614. Okay, so next comes Napier's bone. It looked like this. You can see here. Okay, this is the picture of Napier's bone. Who invented this? It was invented by a Scottish man whose name was John Napier. Okay, a Napier bone consists of rods, one for each of the digit 0 to 9 called bones. So you can see the picture here. The numbers are written from 0, 1, 2, 3 to 9. Okay, so numbers are there on each road and these roads are called bones. So why this Napier bone is used? Napier bone is used to speed up the multiplication process. So by using a Napier bone, one can easily do multiplication. Okay, it was designed in 17th century.
तो आपने अभी देखा कि ये एक नेपियर बोन का पिक्चर है। नेपियर बोन भी एक अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। आप इस नेपियर बोन का जो है, नेपियर बोन्स को जो है डेवलप किसने किया था? डेवलप किया था एक स्कॉटिश मैन ने जिसका नाम था जॉन नेपियर। इसकी हेल्प से आप जो है कब किया था? 17th सेंचुरी में किया था। आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 0 से लेकर 9 तक रोड्स में, और इनको कहते हैं बोन्स। ओके, और इसकी हेल्प से, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसकी हेल्प से आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड में कर सकते हो। ओके, तो ये आपका नेपियर बोन है, ये एक सेकेंड कैलकुलेटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट कम्स हार्वर्ड मार्क वन। हार्वर्ड मार्क वन वॉज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर विच वॉज बिल्ट आउट ऑफ स्विचेस, रिलेज, रोटेटिंग शाफ्ट्स एंड क्लचेस। इट हैड लिमिटेड प्रोग्रामेबिलिटी। इट यूज पंच्ड पेपर टेप्स इंस्टेड ऑफ द पंच्ड कार्ड्स एंड इट वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। ग्रेस हॉपर वॉज द प्राइमरी प्रोग्रामर। शी इन्वेंटेड द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कॉल्ड फ्लोमैटिक विच लेटर ऑन डेवलप्ड इन टू कोबोल। सो नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज हार्वर्ड मार्क वन। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मार्क वन। इट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्दो इट इज नॉट रिटन हेयर, बट आई एम टेलिंग यू दैट दिस वॉज डेवलप्ड बाई होवर्ड एकिन इन 1944। ओके, इट इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। इट इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप्ड बाई होवर्ड एकिन इन 1944, एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्विचेस, रोटेटिंग शाफ्ट्स एसेट्रा। एंड द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ दिस, द प्राइमरी प्रोग्रामर वॉज ग्रेस होपर। ओके, हु इज द प्रोग्रामर? प्रोग्रामर इज वन हुज जॉब इज टू राइट प्रोग्राम्स फॉर कंप्यूटर। एंड वॉट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम मीन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर सो दैट इट कैन कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। ग्रेस हॉपर ऑल्सो डेवलप्ड द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कॉल्ड फ्लोमैटिक विच लेटर डेवलप्ड इन टू कोबोल। वॉट आर हाई लेवल लैंग्वेजेस? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई मशीन। ओके, तो ये आप पिक्चर देख रहे हो मार्क वन, हार्वर्ड मार्क वन या मार्क वन भी इसको कहते हैं। इसको इन्वेंट किया था हॉवर्ड एकिन ने 1944 में। ये एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर है और इसकी फर्स्ट या प्राइमरी प्रोग्रामर है ग्रेस होपर। प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर वो होता है जो प्रोग्राम्स डेवलप। ग्रेस होपर जो है प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो प्रोग्राम जो है वो बनाता है कंप्यूटर के लिए। प्रोग्राम का मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में डालते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क आपका परफॉर्म कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्चर है मार्क वन या हॉवर्ड मार्क वन की। ओके, नेक्स्ट कम्स द पैस्कलिन। पैस्कलिन इन 1642 द यंग फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल डेवलप्ड अनदर मैकेनिकल एडिंग मशीन कॉल्ड पैस्कलिन विच कुड एड एंड सब्सट्रैक्ट नंबर्स। पैस्कलिन यूज्ड अ सिस्टम ऑफ गियर्स एंड व्हील्स। सो द नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट वॉज यूज्ड इन अर्लियर टाइम्स इज अ पैस्कलिन। ओके, हु डेवलप्ड दिस? This was developed by a French philosopher and mathematician, Blaise Pascal, when in 1642. So this Pascaline, as you can see, this Pascaline consists of wheels and gears. Okay, and why this machine is used? This machine is used to carry out addition and subtraction
वेरी इजली एंड विथ वेरी फास्ट स्पीड. ओके, तो पैस्कलिन हमारा एक और आपका जो है डिवाइस है, जो कि एक डेवलप किया था ब्लेज पास्कल ने, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन है. कब किया था? 1642 में किया था. इस मशीन जो पैस्कलिन है उसकी पिक्चर आप यहाँ देख ही सकते हो. इसमें आप देख सकते हो व्हील्स है, व्हील्स है ना, ये सर्कल व्हील्स का मतलब पहिए जैसा, व्हील्स और गियर्स का इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. और इसका यूज़ होता है, इस पैस्कलिन का यूज़ होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए. ओके, तो ये आपका पैस्कलिन का जो है पिक्चर है, जिसको फ्रेंच फिलोसोफर मैथमेटिशियन ब्लेज पैस्कल ने डेवलप किया था, ताकि वो सब्सट्रैक्शन और एडिशन बहुत ईजिली कर सके. नेक्स्ट कम द यूनिवैक. यूनिवैक द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाई मैनी कंपनीज लाइक IBM, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन एसेट्रा. इट वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल लार्ज स्केल डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन 1951. सो यूनिवैक इज ऑल्सो वन ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस. यूनिवैक द पिक्चर यू कैन सी हेयर. ओके, द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड इट वॉज डेवलप्ड, इट वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर. IBM, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, दे प्रोड्यूस्ड इट. ओके, इन वेरी लार्ज क्वांटिटी. वाई दे प्रोड्यूस्ड इट? सो दैट दे कैन सेल दिस यूनिवैक कंप्यूटर इन द मार्केट. सो इट वॉज ऑल्सो अ फर्स्ट कॉमर्शियल लार्ज स्केल डिजिटल कंप्यूटर एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1951. तो यूनिवैक आपका एक और डिजिटल कंप्यूटर है, जिसको कमर्शियली लार्ज स्केल पर बनाया गया. कमर्शियली बनाने का मतलब क्या है कि आप इस कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हो, ताकि आप इसको जो है बेच सको. तो इसको किसने प्रोड्यूस किया था? IBM, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कंपनी ने इसको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया था 1951 में. और आप यहाँ पे यूनिवैक की जो है पिक्चर देख सकते हो कि ये ऐसा दिखता है. तो ये आपके कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे. सो आई हैव सो टुडे इन टुडेज क्लास वी हैव डन 5 कंप्यूटिंग अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस. सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अप टू यूनिवैक. ओके, एंड यू हैव टू रीड इट 2 times. फॉर योर रेफरेंस आई हैव रिटन फ्यू वर्ड्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू वाइल रीडिंग दिस चैप्टर. सो लेट्स चेक आउट दिस वर्ड्स. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज अ डिजिटल कंप्यूटर. Any of a class of device capable of solving problems by processing information is in discrete form. So what is a digital computer? Any device which is capable of solving problems. Problems means addition, subtraction, multiplication, etc. Okay, so that will be a digital computer. Beats. What is a bead? So you have seen the picture of abacus, in that beads are there. So what is a bead? A small round piece of wood, glass or plastic with a hole in the middle for putting a string. So beads means moti. ठीक है, जिसमें या तो वो लकड़ी, ग्लास या प्लास्टिक का हो सकता है, जिसमें एक होल होता है बीच में. रैक. A piece of equipment usually made of bars that you can put things in or on. जहाँ पे आप जो है यानी कि एक bars होते हैं उसके अंदर, जिसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो है beads है ना, ये रे beads और ये wooden rack है, इसमें bars है और ये beads इसके अंदर डलती है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. इन दीज डिवाइसेस टोकन्स रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट न्यूमेरिकल क्वांटिटीज आर मूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर टू परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस? आई हैव टोल्ड यू दैट इन नेपियर्स बोन्स वी हैव नंबर्स रिटर्न फ्रॉम 0 to 9 एंड बाई मूविंग दिस नंबर इन अ स्पेसिफिक way we can do multiplication process very easily. So Napier bone is a manual calculating device. Okay,
Next comes programmer. Who is the programmer? Programmer is the person whose job is to write programs for a computer. So the person who writes program is a programmer. Okay? And I have already told you that what is a program? Program is a set of instructions that is given to computer so that it can do a specific task. Next word is produced. Produced means to make something in a large quantity so that we can sell it. Okay, to make something to be sold especially in large quantity. तो कोई चीज़ बेचने के लिए अगर हम बना रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में तो उसको कहते हैं प्रोड्यूस्ड. ठीक है, प्रोड्यूस्ड बनाना. ठीक है, किसी चीज़ को बनाना. ठीक है, सो दीज आर फ्यू वर्ड्स विच यू कैन रेफर वाइल रीडिंग द चैप्टर. दीज वर्ड्स विल बी वेरी यूजफुल. यू नीड नॉट टू लर्न दीज वर्ड्स. इट इज़ आई हैव रिटन दीज वर्ड्स ओनली फॉर योर रेफरेंस. ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड. ओके, so I hope you have understood today's chapter till UNIVAX. Please read this chapter at least 2 times. So, and we will continue with the chapter in our next class. I hope you understand. Thank you so much. Have a nice day. Bye.